हेलो हाँ जी सर, फोन पता नहीं कैसे कट गया था। हाँ चलिए ठीक है, तो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई अभी मुझे। हाँ सर दो बातें और हो जाती है सर, तो वो आपसे पहली बार बात हो रही है। कोई हाँ बात नहीं, आप जब मर्जी फोन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए ना, अभी जो है मीटिंग में अभी लोग बात कर रहे हैं, और रोज मीटिंग ज्वाइन कीजिए, सुबह भी होती है, दोपहर को होती है, शाम को जब आपको टाइम हो जब जुड़िए आप जो मीटिंग में। सर, एक एक मिनट मुझे टाइम दे दो, बस एक मिनट। हाँ तो क्या जो हम लोग ये काम जो धरातल पे काम है सर, शोषित वंचित की आवाज हम उठाएंगे, हमें इसका जवाब आओगे तो हम लोग उठाएंगे कि नहीं? नहीं, शोषित और वंचित की आवाज उठानी चाहिए, और इसमें उसकी समस्या आपको का भी जो सर, है, देखो मेरा मानना आप भी शामिल रहेंगे इस चीज में। नहीं अभी मेरी बात तो सुन लीजिए, हाँ मैं तो हमेशा शामिल रहता ही हूँ, लेकिन हाँ मैं जो है दिखावा करना पसंद नहीं करता। दिखावा नहीं सर, चलिए अगर मुझे ये आप, बताइए, हाँ मैं अब आपसे पूछता हूँ, जी हाँ आदरणीय सांसद जी जो है, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जी हाँ इंद्र मेघवाल हत्याकांड में पहुंचे थे, गए थे ना? शायद शायद हाँ, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में गए थे, शायद जी हाँ यानी कि जहां पर भी अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, वहां पर जाते हैं। अभी गौरव का हत्या हुई अलीगढ़ में, वहां पहुंच गए ना वो? हाँ अच्छा, क्या करते हैं वहां पहुंच के? जो वो आंदोलन करते हैं, हाँ आंदोलन किस बात का करते हैं? कि उस कि परिवार को नौकरी दी जाए, मैं हाँ उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, यही आंदोलन करते हैं सर, ना? सर केस तो लिखते नहीं जल्दी, FIR नहीं, दर्ज नहीं करते मुझे सर। मुझे ये बताइए, हाँ उनका आंदोलन किस बात के लिए होता है? कि पहले तो FIR जो हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल दूसरा उस परिवार को मुआवजा मिले, तीसरा बिल्कुल उसको नौकरी मिले परिवार जी हाँ में किसी को, ऐसे होता ना, हाँ यही उनकी मांग होती है आंदोलन की। जी हाँ इस काम से मैं अच्छा, आप खुश ये हूँ। देखो बताइए सर खुश कि आप इस काम से खुश हूँ और आपके भी काम से हैं? खुश हूँ। अच्छा देखो अच्छा जी हाँ नहीं, मेरे काम से उनके काम से कुछ जरूरत नहीं है, जांच करने की अवस्था है। अब हाँ हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, किस आंदोलन की बात करते हैं? बाबा साहब क्या कहते हैं? अब बाबा साहब कहते हैं भाई कि जो जो अत्याचार हुआ, जी हाँ अगर इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है जी हाँ तो वो जाति व्यवस्था के कारण हुई है, हाँ ठीक है? बिल्कुल हुई है हाँ तो जाति व्यवस्था के कारण अगर उसके परिवार पे जो अत्याचार हुआ है, जी हाँ तो परिवार के ऊपर तो अत्याचार हुआ है, लेकिन वो अत्याचार सामाजिक अत्याचार हाँ बिल्कुल है है सामाजिक। ना? वो आप बदल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एक कर रहे हो आप सुनिए, अगर ये सामाजिक अत्याचार है तो जी हाँ जो नौकरी मिल रही है वो परिवार को मिल रही है, समाज को मिल नहीं रही। जो मुआवजा मिल रहा है परिवार को मिल रहा है, समाज को तो मिल नहीं हाँ रहा, है ना? हाँ बिल्कुल 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 FIR भी होगी तो वो जो है समाज के जो परिवार है उसकी दिलासा जी के हाँ लिए है, लेकिन समाज के लिए क्या है? समाज के ऊपर तो लगातार अत्याचार होगा ना, तो बाबा हाँ साहब कहते हैं कि ये सामाजिक जो अत्याचार हो रहा है इसको जड़ से खत्म करना है, हाँ समाज लेकिन को न्याय समय दिलाना लगेगा है। सर। समाज को न्याय मिलना चाहिए ना, परिवार को न्याय की बात नहीं होनी चाहिए, समाज को न्याय की बात होनी चाहिए। और बिल्कुल समाज को बिल्कुल न्याय कब बिल्कुल है? जब वो परिवार धर्म परिवर्तन करके और उस जड़ को, जाति की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। इंद्र जी मेघवाल हाँ के ऊपर अत्याचार इसलिए हुआ क्योंकि वो छोटी जाति से था, हाँ और छोटी बिल्कुल जाति जो है हिंदू धर्म में थी, और बिल्कुल बाबा साहेब ने कहा कि जब तक तुम इस हिंदू धर्म में रहोगे तब तक तुम छोटे और बड़े बने रहोगे, बिल्कुल 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 वही इसीलिए बात इस धर्म मैंने कहा को ना पहले। बदलो। तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को वहां जाकर धर्म परिवर्तन का आंदोलन चलाना था कि भैया नौकरी दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परिवार जो है आज धर्म पतन करेगा, बस अगर ये आंदोलन चलाने लग जाएं तो ये सबकी जो है जड़ें हिल जाएंगी। बिल्कुल सर देखो बिल्कुल मैं तो वही मैं बात जो आपसे कह है रहा हूँ। आदरणीय विजय जी, हाँ मैं मोटा मोटा नहीं सोचता, मैं खाली राजनीति सोचता नहीं हूँ, मुझे MLMP बनना, मुझे इस समाज की समस्या का जड़ से हल करना है। सर, अगर MLA नहीं बनो तो मतलब कि भला कैसे करोगे हम लोगों का? बता रहे हैं ना, MLA MP बनने की जमीन तैयार करनी है पहले, अभी खाली जो फोकस कर रहे हैं, खाली MLA MP बन के थोड़ा काम चलेगा, आपको हाँ प्रधानमंत्री बिल्कुल बनना पड़ेगा, आपको CM बनना बिल्कुल पड़ेगा जब कुछ कर पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल CM और PM बनने के लिए एक MLA MP से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ना आपको जो है बिल्कुल संसद में जाना है तो कितनी सीटें चाहिए, यूपी बिल्कुल में अगर सत्ता में आना है तो कितनी सीटें चाहिए, तो आपको जी समाज में से योग्य व्यक्ति को निकालना पड़ेगा और उनको MLA MP बनाना पड़ेगा। और सर अगर आप ये काम कर लेते, दो काम सर, एक तो आप काम कर ही रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही काम, एक काम मेरे कहने से अगर
कोशिश करते सर ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मुझे पूरा नॉलेज है इस बारे में कि पब्लिक जो है पूरा एकदम आपके कामों से 100% खुश रहेगी, अभी भी खुश है, लेकिन थोड़ा सा ये काम जो है जो शोषण हो रहा है अभी तो जो है मेरे काम से जो है 90% लोग दुखी हैं बेचारे, क्योंकि नहीं, उनको वो अब उनको वो लगता है कि मैं उनके जो जिनका वो समर्थन करते हैं मैं उनकी बुराई करता हूँ, आलोचना करता हूँ, इसलिए वो तो दुखी हैं। वो खुद कहेंगे एक दिन, आपने भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, वो खुद कहेंगे एक दिन, जी वही आपका लोग बहुत बहुत कहेंगे, देखना एक साधुवाद दिन अगर ऐसा होता है तो। जी कहेंगे सर, कहेंगे टाइम आएगा, देखो खुद कहेंगे। ठीक है विजय जी, फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद, फिर बात करेंगे आपसे जो है, और मीटिंग ज्वाइन कीजिए, अभी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, और यहाँ पे जो हाँ है आप अटेंड कीजिए मीटिंग जो है, अगर जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे बच्चे हमारे आचार्य बने हैं इसमें जो है, कई बच्चे आचार्य बन बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल 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 सर, हम आपके साथ हैं। जी ठीक है, मैं आपको हाँ लिंक लेकिन भेज मैं रहा हूँ। सर ये काम ये जरूर थोड़ा कोशिश करना कि हम कर सकें। हाँ हाँ आप लिंक मैं भेज रहा हूँ, आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, वहीं बाकी बात करते हैं ना, और लोगों का मार्गदर्शन होगा। ठीक है सर, ठीक हाँ है ठीक, ठीक है, ओके, जय विनोद, जय। ओके, जय हिंद सर।